सो हे गाइस, क्या हाल चाल भाई। तो आज हम लोग फिर से एक बार खेल रहे हैं GTA 5, और आज हम लोग फिर से एक बार आज यार माइकल के साथ। तो आप लोग को याद होगा पिछले वाले एपिसोड में रशियन माफिया ने यार माइकल को $1 million मेंशन गिफ्ट किया है। और रशियन माफिया ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो मेरे को अपनी टीम में रखना चाहता है। वो चाहता है कि यार मैं उसकी टीम का लीडर बन के उसके साथ काम करूँ और उसके सारे काम करूँ। पर माइकल और लेसर के दिमाग में तो कुछ अलग ही प्लान बन रहा है। हम लोग यार रशियन माफिया को ख़त्म करने का प्लान बना रहे हैं, और गाइस जो प्लान लेसर बना रहा है वो प्लान भाई बन चुका है। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज माइकल की भाई टीम लॉस एंटो सिटी में वापस आने वाली है। अब कैसे आने वाली है ये सारा, तो आप लोग यार वीडियो को पूरा देखो, आप लोगों को पता लग जाएगा। पर आज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सो गाइस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस के लिए, और हाँ लाइक वाइक जरूर कर दिया करो। बाकी आप लोग को याद होगा हम लोगों ने पिछले वाले एपिसोड में भाई फ्रैंकलिन की काफ़ी ज़्यादा धुलाई की थी। फ्रैंकलिन ने माइकल की फैमिली को नुकसान पहुंचाया, और वो अभी रशियन माफिया के साथ काम कर रहा है। रशियन माफिया के पैसों के लिए भाई कुछ भी कर रहा है। वो माइकल की फैमिली को ख़त्म करने वाला था, उसी का बदला लेने के लिए हम लोग उसके घर पे गए। लेस्टर से पहले उसके घर की इलेक्ट्रिसिटी बंद कराई, उसके बाद उसे बहुत ज़्यादा पीटा, एंड मैं यहाँ पे आ गया। तो पता नहीं गाइस फ्रैंकलिन का क्या हाल हुआ होगा, पर अभी मेरे को जाना है ह्यूमन लैब, क्योंकि यार ये वाला जो सूट मैंने पहन रखा है ना भाई, ये वाला सूट बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। तो मेरे पास साइंटिस्ट का कॉल आया था, उसने मेरे को ह्यूमन लैब में बुलाया है। अभी मेरे को जाना है, शायद साइंटिस्ट इस सूट को थोड़ा रिपेयर करेगा और शायद कुछ काम करने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से हम लोग यहाँ से निकलते हैं, और अभी मेरे पास कोई कार वगैरह नहीं है तो फिलहाल मैं एक बाइक लेकर आ चुका हूँ। हम लोग इस बाइक से काम चला लेंगे। वैसे मैं चाहूँ ना तो लॉस सांटोस में जी वैगन से घूम सकता हूँ, मैं चाहूँ तो अपनी खतरनाक वाली गाड़ी भी निकाल सकता हूँ, पर गाइस मैं वो सारी चीज़ें नहीं करने वाला जब तक हम लोग सब कुछ ठीक ना कर दे। बहुत जल्दी माइकल इस बॉडी सूट को निकाल कर लॉस सांटोस में भाई आराम से घूमेगा, क्योंकि हम लोग रशियन माफिया को जल्दी ख़त्म कर देंगे। बस आप लोग का प्यार और सपोर्ट से यार कमेंट करके बताओ कौन कौन चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी रशियन माफिया को ख़त्म कर दूँ। कॉमेंट करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, मैं समझ जाऊँगा। बाकी फटाफट से बाइक को भगाते हैं। यार तुम लोग यहाँ देख रहे हो, यहाँ हमेशा भाई बाइक रेस होती रहती है भाई, जब भी यहाँ पे आओ बाइक रेस ही हो रही होती है। बाकी फटाफट से अपनी बाइक को भगाते हैं भाई, जल्दी से पहले मेरे को ह्यूमन लैब जाकर अपने सूट को रिपेयर करा कर आना है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में रशियन माफिया का कॉल आ जाए। और आजकल मेरे को रशियन माफिया की गैंग के लीडर बने हुए हैं भाई, उसके लिए काम कर रहे हैं, तो वो जब भी मेरे को कॉल करते हैं मेरे को जाना पड़ता है भाई। मैं अभी मना नहीं कर सकता जब तक लेस्टर पूरा प्लान ना बना ले। वैसे हमारा प्लान बन ही चुका है, और बहुत जल्दी रशियन माफिया को ख़त्म करके हम लोग आराम से लॉस सांटोस में रहने वाले हैं। तो अभी हम लोग यार ह्यूमन लैब पहुँचने वाले हैं, और गाइस आज ना ह्यूमन लैब में भाई छुट्टी है, मतलब मेरे को ज़्यादा लोग नहीं मिलने वाले। वहाँ सिर्फ एक या दो साइंटिस्ट है जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, और जो मेन वाला साइंटिस्ट है ना भाई, जिसने ये पूरा को पूरा बॉडी सूट बनाया था, वो शायद अभी यहाँ पे है नहीं। तो मुझे नहीं पता इस वाले सूट को रिपेयर कौन करेगा। एक काम करते हैं भाई, अंदर चल के देख लेते हैं। गाड़ी को यहाँ पे पार करो और फटाफट से अंदर चलो भाई, छुट्टी का दिन है इसीलिए कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नज़र नहीं आ रहा है, नहीं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। चलो अच्छा है यार यहाँ पे कोई नहीं है, तो अपना काम और ज़्यादा बढ़िया से हो जाएगा। और एक मिनट भाई, गेट तो खोलो। हेलो भाई, ये गेट ओके अब जाके खुला है। मुझे लगता है पक्का अंदर किसी साइंटिस्ट ने मेरे को यहाँ पे देखा होगा तब जाके गेट खुला, नहीं तो मैं खड़े खड़े यहाँ पर इंतज़ार ही करता रहता। तो एक काम करते हैं गाइस फटाफट से चलते हैं। मुझे नहीं पता कि यार सूट को रिपेयर होने में कितना टाइम लग जाएगा, पर अच्छा रहा साइंटिस्ट ने मुझे कॉल कर दी, नहीं तो मैं तो ना ऐसे भाई सबसे लड़ने में लगा हुआ था। और आप लोग को पता है कि यार इस सूट पे कितनी ज़्यादा गोलियां लग चुकी है भाई, बहुत ज़्यादा सूट डैमेज हो गया है, मुझे पता ही नहीं लग रहा था। और अगर पूरी तरीके से सूट डैमेज हो जाता तो भाई साइंटिस्ट को नया बनाना पड़ जाता, तो इसीलिए उसने मेरे को कॉल करके बुला लिया। फटाफट से अंदर चलते हैं और चल के साइंटिस्ट से बात करते हैं। तो अभी मैं यार ह्यूमन लैब के अंदर आ चुका हूँ, और गाइस साइंटिस्ट ने मेरे को कॉल करके भाई एकदम लैब के अंदर बुलाया, उसने मेरे को देख लिया है कि फटाफट से अंदर चलते हैं। और गाइस आज तुम लोग देख रहे हो भाई पूरा ह्यूमन लैब एकदम खाली है, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी वाला है ही नहीं भाई। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि यार यहाँ पे है नहीं, छुट्टी के दिन तो कोई ना कोई यहाँ पे होना चाहिए था, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को यार चल के साइंटिस्ट से मिलना है। फटाफट से अंदर चलते हैं, और जो अंदर वाली लैब है ना वो काफ़ी ज़्यादा दूर है। ओके तो गाइस मैं चेंबर के अंदर आ चुका हूँ, फटाफट चल के चेक करते हैं। और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो गाइज, यहाँ पे एक साइंटिस्ट खड़ा है, फटाफट से इससे बात करते हैं।
तो अभी मेरी साइंटिस्ट से बात हो गई और गाइस ये मेरे को बोल रहा है कि भाई माइकल अंदर जा सकता है, भाई सब चीज़ तैयार कर लिया। जो मेन वाला साइंटिस्ट है वो इन लोगों को समझा के गया है कि सूट को रिपेयर कैसे करना है। और मैंने इससे पूछा भाई टाइम कितना लगेगा, तो साइंटिस्ट बोल रहा है कि यार ये तो भाई सूट देख कर ही बता पाएंगे कि यार आखिरकार सूट डैमेज कितना हुआ है। तो अभी मुझे पूरा का पूरा बॉडी सूट निकाल के इन लोगों को देना पड़ेगा, फटाफट से मैं इन लोगों से बात करता हूँ। तो अभी गाइज मैंने सूट वगैरह निकाल के यहाँ पे दे दिया और मेरे को अभी लैब के बाहर जाकर थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। मुझे लगता है कम से कम 1 से 2 घंटे लग जाएंगे एंड काफी टाइम बाद आप लोग माइकल का भाई फेस देख रहे हो। नहीं तो भाई बॉडी सूट में माइकल को काम चलाना पड़ रहा था, पर बहुत जल्दी हम लोग इस बॉडी सूट को फेंक कर आराम से लॉस सैंटोस में जाकर रहने वाले हैं। एंड आप लोग को याद होगा माइकल के घर पर अभी कोई और रह रहा है, मुझे नहीं पता वो बंदा कौन है। बस एक बार लॉस सैंटोस में सब कुछ ठीक हो जाए फिर उस बंदे को या तो मैं पैसे दे दूंगा अगर प्यार से मान जाते तो ठीक है, नहीं तो मार के माइकल के घर से उसे बाहर भी निकालना है क्योंकि माइकल की फैमिली और माइकल वहां पे आराम से रहने वाले हैं। तो अभी एक काम करते हैं थोड़ी देर इंतजार करते हैं, जब तक अपना सूट रिपेयर हो जाता है तब तक मेरे को यही इंतजार करना पड़ेगा, मैं कहीं बाहर नहीं जा सकता। एंड अच्छा रहा छुट्टी का दिन है, यहाँ पे कोई है नहीं, क्योंकि अगर माइकल को कोई ऐसे देख लेता और भाई ये खबर बाहर फैल जाती तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती थी। तो अभी मैं यार यहाँ पे अपने सूट के बनने का इंतजार कर रहा हूँ और गाइज मेरे पास ना रशियन माफिया का बार बार कॉल आ रहा है। मैंने पहले तो उसका फोन नहीं उठाया, फिर जब ज्यादा कॉल आए तो मैंने एक फोन उठा लिया और रशियन माफिया बोल रहा है कि भाई मैं कहाँ पे हूँ, उसको मेरी जरूरत है, मैं फटाफट से उसके मेंशन पे पहुंच जाऊँ। तो मैंने उसको बोला भाई थोड़ी सी देर में मैं आ रहा हूँ, बस थोड़े से काम में मैं बिजी हो गया हूँ। तो गाइज जल्दी से जल्दी यार सूट रेडी हो जाए, देखो जल्दी से रशियन माफिया के पास पहुँचना होगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। एंड यहाँ का गेट भी आज खुला हुआ है क्या? ओके यहाँ से हम लोग आगे नहीं जा रहे, यहाँ से लिफ्ट वगैरह बंद कर रखी है, नहीं तो हम लोग यहाँ से आगे चले जाते। मेरे को लैब के पास ही रहना है क्योंकि अपना जो सूट है भाई लैब में ही रिपेयर हो रहा है। मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, मशीन के अंदर इन लोगों ने डाल तो दिया है, सामने तुम लोग मशीन देख रहे हो उसके अंदर ग्रीन कलर की जो लाइट जल रही है ना उसी के अंदर अपना सूट रिपेयर हो रहा है। तो अभी यार करीब 2 घंटे इंतजार करने के बाद फाइनली गाइस मेरा सूट यहाँ पर रिपेयर हो चुका है और अभी मेरे को फटाफट से यहाँ से निकलना पड़ेगा। बाकी साइंटिस्ट ने मेरे को समझा दिया है कि माइकल इस सूट को ज़्यादा डैमेज ना करे क्योंकि अभी ना सूट पहले से काफ़ी वीक हो गया है, तो ये सूट ज़्यादा देर तक माइकल को बचा नहीं पाएगा। तो मैंने भाई साइंटिस्ट को बोल दिया है कोई दिक्कत नहीं यार, बहुत जल्दी मेरे को इस सूट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब जितना भी चलेगा चलने देते हैं। बाकी अभी मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा यार, मुझे नहीं पता रशियन माफिया को भाई क्या प्रॉब्लम हो गई है पर वो बार बार कॉल कर रहे हैं और उसने अपने मेंशन पे बुलाया है, तो मुझे जल्दी से जल्दी पहुँचना पड़ेगा क्योंकि फिलहाल के लिए अभी मैं रशियन माफिया की गैंग का लीडर हूँ, तो मेरे को जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा। ओके फटाफट से यहाँ से बाहर निकलते हैं और अभी मैं सीधे चलता हूँ गाइस सिटी की तरफ। बाकी यार यहाँ पे कोई कार वगैरह मेरे को बढ़िया सी मिल जाती है तो ठीक है यार, बाइक से जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अभी मैं यार लैब से बाहर आ चुका हूँ और गाइस पहले काम कर दिया, फटाफट से यार बाइक पे बैठ जाते हैं एंड पार्किंग में जाकर कोई कार देख लेंगे। यार यहाँ पे ना छुट्टी वाले दिन कोई आता ही नहीं है, बस नॉर्मल वाली गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। यार अगर एक सुपर कार मिल जाती ना तो मज़ा ही आ जाता। कोई दिक्कत नहीं है इन वाली कार से, तो भाई ये बाइक ही काफ़ी बढ़िया है, फटाफट से बाइक को भगाते हैं। वैसे मैंने रशियन माफिया को बोल दिया है कि यार आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी चलते हैं सिटी की तरफ और चल के देखते हैं आखिरकार प्रॉब्लम क्या हो गई। कुछ तो बड़ी प्रॉब्लम हुई है इसीलिए वो मेरे को बार बार कॉल कर रहा है। ओके वहाँ से फटाफट से गाड़ी को भगाते हैं, तो काम करते ना गाइस सीधे शॉर्टकट मारते हैं, पूरा घूम कर नहीं जाते, यहाँ से शॉर्टकट मार के सीधे हाईवे पे चलते हैं। बहुत सही, तुम लोग यहाँ देख रहे हो क्या शॉर्टकट लगा है भाई, सीधे डायरेक्टली हाईवे पे आ गया। अगर पूरा रोड में घूम कर आता तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, सीधे हम लोग भैया देख रहे हो हाईवे पे आ चुके हैं, अभी यहाँ से जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अभी मैं यार सिटी में आ चुका हूँ और भाई फटाफट से चलते हैं रशियन माफिया के घर की तरफ। भाई पता नहीं क्या दिक्कत हो गई यार, बहुत सारे कॉल कर रहे हैं, मैंने उसको बोल दिया कि भाई आ गया, बस रास्ते में तो काफ़ी ट्रैफिक मिल गया था। वैसे तुम लोग देख रहे हो आज ट्रैफिक नज़र ही नहीं आ रहा है, पर मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ, एक काम करते हैं भाई फटाफट से अंदर चलते हैं। और एक सेकेंड, ये तो वही स्कूटी है ना जो मैं कुछ दिन पहले यहाँ पर लेकर आया था, ये यहाँ पे क्या कर रही है? ओके कोई दिक्कत नहीं यार, स्कूटी को छोड़ो, फटाफट से अंदर चलते हैं। अरे रशियन माफिया कहाँ पे खड़ा है? ओके तो गाइज रशियन माफिया मेरे को नज़र आ चुका है एंड उसके बगल में मेरे को फ्रैंकलिन भी नज़र आ रहा है और रशियन माफिया ने अपनी सिक्योरिटी के बहुत सारे बंदों को बुला रखा है। चल क्या रहा है यहाँ पे, कुछ तो पक्का गाइज गड़बड़ हुई है। ओके फटाफट से बात करते हैं। ओके रशियन माफिया मैं आ चुका हूँ यार, रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था एंड ये बहुत ज़्यादा गुस्सा लग रहा है, इसे बात करते हैं।
तो वो भी मेरी रशियन माफिया से और बात होगी। और गाइस रशियन माफिया ना मेरे को बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा है। रशियन माफिया बोल रहा है कि यार किसी ने फ्रैंकलिन के घर में घुसकर फ्रैंकलिन की काफी ज्यादा पिटाई कर दी है, और जिसने भी ये काम किया है हम लोग उसे छोड़ेंगे नहीं। भाई रशियन माफिया ने अपनी पूरी टीम काम पे लगा दी है और मुझे भी ये काम दिया है कि यार मैं फ्रैंकलिन के घर जाऊँ और पता लगाऊँ कि आखिरकार ये काम किसने किया। और आप लोग को याद ही होगा ये काम तो गाइस मैंने खुद किया था भाई, फ्रैंकलिन से बदला लेने के लिए। और अच्छा रहा किसी ने देखा नहीं, वहाँ पे वैसे ज़्यादा लोग नहीं थे, पुलिस की सिक्योरिटी वगैरह थी, पर फ्रैंकलिन ने यार बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी और इसी चीज़ का मैंने फ़ायदा उठाया, इसे बहुत ज़्यादा पीटा था। तो रशियन माफिया बोल रहा है कि भाई कुछ भी हो जाए आज के आज हमें पता लगाना है और उस बंदे को छोड़ना नहीं है भाई, लाकर फ्रैंकलिन के सामने रखना है और उसे ख़त्म कर देना है। और इसके बदले रशियन माफिया हमें बहुत ज़्यादा पैसे देगा, इसीलिए रशियन माफिया मेरे को बार बार कॉल कर रहा था। और मैंने रशियन माफिया से बोल दिया है कि यार कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं जाकर पता लगाता हूँ। और भाई जितने भी अभी हमारे गैंग वाले दुश्मन है ना, रशियन माफिया बोल रहा है कि मैं एक एक करके सबके पास जाऊँ, पता लगाऊँ कि यार आखिरकार ये काम किसने किया है, और जिसने भी फ्रैंकलिन के घर के अंदर घुसने की हिम्मत की है ना, मैं उसे ख़त्म कर दूँ। तो गाइस फटाफट से निकलते हैं। और अच्छा रहा वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, क्योंकि लेस्टर ने यार सारे जगह की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी थी, आधी सिटी में लाइट नहीं आ रही थी, पता नहीं उसने कैसे किया, पर बहुत ही सही किया, अगर पता लग जाता ना तो मेरी तो बैंड बज जाती। ओके तो फटाफट से निकलते हैं। और एक सेकंड यार, अभी मैं यहाँ पर बाइक लेकर आया था, कहाँ गई बाइक? हेलो, यहाँ देख रहे हो रशियन माफिया के घर के बाहर भाई, यहाँ पर रिपोर्टर्स खड़े हैं, ये लोग 24 घंटे यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि रशियन माफिया के घर में यार देखो पॉलिटिशियन आते रहते हैं, प्रेसिडेंट आते रहते हैं, इसीलिए लोग यहाँ पे खड़े रहते हैं। ओके तो मैं काम करता हूँ गाइस, अब ये स्कूटी लेकर चलता हूँ, पता नहीं बाइक किसने चोरी कर ली। हद है यार, यहाँ से कौन उठा कर ले गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाकी यार अभी मेरे को रशियन माफिया ने बोला है कि मैं जाऊँ फ्रैंकलिन के घर पर और जाकर चेक करूँ, मुझे जाकर चेक करना पड़ेगा। ओके फटाफट से निकलते हैं और चल के चेक करके आते हैं। वैसे चेक क्या करना है यार, ये काम तो मैंने खुद किया है, पर मेरे को जाना पड़ेगा, उसे शक नहीं होना चाहिए। जैसा भी रशियन माफिया बोल रहा है हम लोग बिल्कुल वैसा ही करेंगे, गैंग वालों के पास जाएंगे। और मैं तो सोच रहा हूँ ना किसी एक गैंग को ख़त्म कर देता हूँ और बोल दूंगा कि यार ये काम इन्हीं लोगों ने किया है। वैसे भी फ्रैंकलिन और रशियन माफिया की दुश्मनी लॉस सैंटोस में काफ़ी सारे लोगों से है, और रशियन माफिया ने मेरे को ये भी बोला है कि यार मैं पता लगाऊँ कि यार आखिरकार किसमें इतनी हिम्मत आ गई कि रशियन माफिया के बंदे को घर में घुसकर मारा है। भाई पता तो लगाना ही पड़ेगा। बाकी मेरे को वहाँ जिमी का ही नज़र नहीं आ रहा था, बस फ्रैंकलिन और रशियन माफिया ही थे, पता नहीं जिमी कहाँ पे है। तो अभी मैं यार फ्रैंकलिन के घर पहुँचने वाला हूँ, और गाइज रास्ते से ना मैंने एक कार उठा ली है, और मैं फ्रैंकलिन के घर इसलिए आया हूँ ताकि रशियन माफिया को मेरे ऊपर शक ना हो, उसे लगना चाहिए कि भाई मैं उसकी बात मानकर उसके लिए काम कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग ना बिल्कुल वैसा ही करने वाले हैं जैसे कि मेरे को रशियन माफिया ने बोला है। मैं फ्रैंकलिन के घर को अच्छे से चेक करूंगा और मैं बाद में उसको बोल दूंगा कि यार मेरे को यहाँ से कुछ मिला नहीं। और तुम लोग यहाँ देख रहे हो गाइस, यहाँ पे ना पुलिस की सिक्योरिटी है, और रशियन माफिया इन पुलिस वालों पे ना बहुत ज़्यादा भड़क रहा था, क्योंकि इनके होने के बाद भी यहाँ पर घर के अंदर मैं घुस गया। एंड सामने तुम लोग देख रहे हो, पुलिस छोड़ो गाइस, प्राइवेट सिक्योरिटी के पास RPG है भाई, इसको तो मैंने देखा ही नहीं। हद है यार, रोड पे यहाँ पे RPG लेकर खड़ा हुआ है। ओके तो फटाफट से अंदर चलते हैं। रात में भाई पता नहीं लग रहा था कि यार इतने ज़्यादा बंदे होंगे, और चौप भी बाहर ही खड़ा है। और एक मिनट गाइस, ये चौप नहीं लग रहा मेरे को, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये ना पुलिस वालों के साथ यहाँ पे भाई डॉग्स आ रखे हैं सिक्योरिटी में, एंड पुलिस वालों के पास भी गन वगैरह है। इसका गराज लॉक है क्या? ओके लॉक हो रखा है, नहीं तो पक्का मैं यहाँ से कोई ना कोई कार उठा के ले जाता। तो अभी रशियन माफिया ने जैसा मेरे को बोला है, चुपचाप से हम लोग अंदर चलते हैं, हम लोग पूरे घर को चेक करते हैं। एंड यहाँ देखो चारों तरफ कैमरे लगे हुए थे, और एक सेकेंड यहाँ बाइक खड़ी कर रखी है, ये चलती है क्या? ओके ये चल रही है, बट मैं ऐसे चलाने वाला नहीं हूँ। फ्रैंकलिन ने यहाँ पे लगा रखी, ओके तो यहाँ पे कोई घर को क्लीन करने के लिए भी खड़ा हुआ है। भाई फ्रैंकलिन के पास पैसा आ चुका है, तो उसने अपने घर को काफ़ी बढ़िया कर लिया। और वो देखो नीचे मेरे को लेमार नज़र आ रहा है, इसको भी तो मैंने भाई मारा था, ये तो एक पंच में बेहोश हो गया था। ओके तो इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है, ये इसने यहाँ क्या कर रखा है, सोफे को यहाँ लेकर आ गया है। भाई घर इसका काफ़ी बढ़िया लग रहा है, पहले से पहले इतना सारा सामान नहीं था, अभी कुछ ज़्यादा ही सामान आ चुका है, घर को काफ़ी अच्छे से डेकोरेट कर लिया है। एंड बाहर आकर तुम लोग देखो यहाँ पे भी बहुत सारा सामान है, और यहाँ देखो यहाँ बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं, यहाँ पे प्लानिंग वगैरह होती है क्या, ऐसा ही कुछ लग रहा है। ओके बहुत सारे कंप्यूटर है, पता नहीं यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं। यहाँ तुम लोग देख सकते हो गाइस, कार्स वगैरह के फ़ोटो लगे हुए हैं, या तो फ्रैंकलिन कार्स को ख़रीदने वाला है, या फिर कुछ ना कुछ प्लान तो ज़रूर यहाँ पे हो रहा है। बाकी भाई फटाफट से नीचे चलते हैं। ओके नीचे जाएं या पहले ऊपर जाएं, क्योंकि ऊपर जाने का भी यहाँ पे रास्ता है। ओके एक काम करते हैं गाइस, ऊपर चल के देखते हैं। और ये रहा देखो रास्ता, देखो पता ही नहीं था यार,
रात में जब गई मैं यहाँ पे आया था तो मैं ऊपर चढ़कर आया था, मुझे इस रास्ते के बारे में पता ही नहीं था, एंड अभी दिन में सब कुछ दिखाई दे रहा है। और एक सेकंड गाइस, ये यहाँ पे कौन है भाई? पार्टी खत्म हो चुकी है, यहाँ पे क्या गिटार वगैरह बजा रहा है, हद है यार। और ये देखने में तो भाई प्राइवेट सिक्योरिटी वाला लग रहा है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है मेरे को नहीं पता। भाई फ्रैंकलिन ने किस किस को हायर कर रखा है? ओके, तो छत पे भी इसने काफ़ी बढ़िया ऑफिस बना रखा है, यहाँ पे एक तरीके से मीटिंग वगैरह हो सकती है। भाई ये लोग क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा। मैं काम करता हूँ भाई, इसको छोड़ो, नीचे के साइड चलते हैं, एंड मैं एक बार सब कुछ देख कर भाई रशियन माफिया को कॉल कर देता हूँ, बता देता हूँ कि भाई वहाँ से कुछ पता नहीं लग पाया है। ओके, तो फटाफट से काम करते हैं, नीचे चलते हैं। अबे भाई चढ़ जा यार, वैसे मैं ऐसे जंप भी मार सकता हूँ ना, एक काम करते हैं डायरेक्टली यहाँ से जंप मारते हैं, बहुत सही। तो फिर मैं नीचे की साइड आ चुका हूँ, फटाफट से नीचे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं एंड बड़ी बड़ी टीवी लगा रखी है भाई, होम थिएटर लगा रखे हैं भाई फ्रैंकलिन ने, क्या बात है, अपने घर को काफ़ी बढ़िया बना दिया। और एक मिनट गाइस, ये पुलिस वाला यहाँ पे वेल्डिंग कर रहा है, हद है भाई, जेट्स की वगैरह सब ले रखे है उसने। पूल के पास भी देख रहे हो काफ़ी बढ़िया उसने रूम बना रखा है, एंड वहाँ देख रहे हो काफ़ी सारे डॉग हाउस नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है फ्रैंकलिन ने काफ़ी डॉग परचेज कर लिया क्या, मुझे तो बस चॉप के बारे में ही पता था। वहाँ लेमार भी खड़ा हुआ है, एंड घर को भी काफ़ी बढ़िया बना लिया है, तुम लोग यहाँ देख सकते हो सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे लगे हुए हैं। भाई बहुत सही फ्रैंकलिन, क्या बात है यार, काफ़ी बढ़िया घर बना दिया भाई फ्रैंकलिन ने। ओके, तो गाइज मैंने भाई पूरा घर चेक कर लिया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं काम करता हूँ रशियन माफिया को कॉल कर देता हूँ, एंड बोल देता हूँ कि यार यहाँ से मेरे को कुछ भी पता नहीं लगा है। सो अभी मेरी रशियन माफिया से यार बातचीत हो गई, और गाइज रशियन माफिया से मेरे को अभी एक इन्फॉर्मेशन मिली है। तो रशियन माफिया बोल रहा है कि मैं फटाफट से यार फ्रैंकलिन के घर से आ जाऊँ और सीधे जाऊँ चाइनीज गैंग की तरफ। तो मैंने उसको बोला भाई वहाँ क्या हो गया, तो रशियन माफिया बोल रहा है कि भाई फ्रैंकलिन के घर के अंदर चाइनीज गैंग वाले घुसे थे, क्योंकि भाई फ्रैंकलिन की एक कार चोरी हुई थी और कार के अंदर एक ट्रैकर लगा हुआ था, और कार ना भाई चाइनीज गैंग के एरिया में मिली है। मुझे नहीं पता ये भाई किसने गाड़ी चोरी की है, पर अभी रशियन माफिया को ऐसा लगता है कि ये काम चाइनीज गैंग ने किया है। तो रशियन माफिया बोल रहा है कि वो अपनी एक टीम को वहाँ पे भेज रहा है और मैं भी फटाफट से वहाँ पहुँचूँ, फ्रैंकलिन की कार को लेकर आऊँ, एंड साथ में सारे बंदों को भी ख़त्म कर दूँ। भाई हद यार, ये काम किया मैंने तो, पर भाई चाइनीज गैंग वालों ने गलत टाइम पर फ्रैंकलिन की कार चोरी कर ली, पर अब वो मरने वाले हैं। पर चलो अच्छा ही है यार, अभी रशियन माफिया मेरे ऊपर शक नहीं करेगा। और वैसे भी यार हम लोग को चाइनीज गैंग से बदला लेना था। वैसे एक सेकेंड, ये यहाँ क्या चल रहा है भाई, रोड पे डांस क्यों कर रहे हैं लोग? कि मुझे नहीं पता, हो सकता है कि किसी पॉलिटिशियन वगैरह यहाँ से जा रहा होगा, तो कुछ प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे होंगे लोग सड़क पे, कुछ ऐसा ही लग रहा है। बाकी गाइस फटाफट से चाइनीज गैंग के एरिया में चलते हैं, और चाइनीज गैंग से तुम्हारी पुरानी दुश्मनी है, उन्हें तो मैं भाई छोड़ने वाला नहीं हूँ, वो सब मेरे हाथ से मरने वाले हैं। और अच्छा है भाई, अभी रशियन माफिया चाइनीज गैंग के पीछे रहेगा, एंड मेरे बारे में उसे पता ही नहीं लगेगा। तो फटाफट से चलते हैं भाई चाइनीज गैंग के एरिया में, और चल के फ्रैंकलिन की कार भी लेकर आते हैं, और सारे के सारे चाइनीज गैंग के बंदों को ख़त्म करते हैं। तो अभी मैं यार चाइनीज गैंग के एरिया में पहुँचने वाला हूँ, और गाइज अभी मेरे को पता लगा है कि यार ये पूरा का पूरा काम ना लेस्टर ने कर पाया है। तो लेस्टर बोल रहा था कि यार उसे लग ही रहा था कि रशियन माफिया और उस बंदे को ज़रूर ढूंढेगा जिसने फ्रैंकलिन को पीटा है, इसीलिए भाई लेस्टर ने ना फ्रैंकलिन की गाड़ी चोरी करवाई अपने हैकर से और चाइनीज गैंग के एरिया में खड़ी करवा दी, क्योंकि हमें ना चाइनीज गैंग से बदला भी लेना था। और लेस्टर बता रहा है कि यार चाइनीज गैंग ने ना उसके घर पे थोड़ी भाई चोरी वगैरह की है, इसीलिए उसे बदला लेना था। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ चाइनीज गैंग के एरिया में, इन्हें तो पता ही नहीं होगा कि यार इनके पास कोई कार है, और ये अभी मरने वाले तुम लोग देख रहे हो, एंड मेरे को सबको मारना पड़ेगा। अगर मैंने इनमें से किसी को भी छोड़ दिया तो रशियन माफिया बोलेगा कि भाई मैंने काम सही से नहीं किया है। तुम लोग देख रहे हो चारों तरफ बहुत सारे बंदे, और गाइस अभी मेरे को ये तो नहीं पता कि कार कहाँ पे है, पर मुझे ना इन्हें सीधे मारना स्टार्ट करना है। ओके, तो मैं काम करता हूँ, इस वाली गाड़ी को पहले साइड में लगाता हूँ, और चलो पहले इनकी बैंड बजाई जाए, इनमें से कोई नहीं बचने वाला, सबको मैं बुरी तरीके से मारने वाला हूँ। तो पहले चल के देखते हैं कि यार आखिरकार यहाँ पे बंदे कितने, और गाइस पहले मैं इन्हें मारता हूँ, गाड़ी को हम लोग बाद में ढूंढेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि यार लेस्टर ने गाड़ी कहाँ पे खड़ी करवाई है, ये तो मुझे हैकर से पता करना पड़ेगा। पर पहले इन्हें टपकाते हैं, इन्हें पता ही नहीं होगा कि इन्हें मारने कौन आया है और इन्हें मार क्यों रहा है, बस मुझे इन सबको मारना है, क्योंकि रशियन माफिया ने बोला है कि चाइनीज गैंग में से कोई बचना नहीं चाहिए, क्योंकि चाइनीज गैंग वालों की इतनी हिम्मत कि फ्रैंकलिन के घर के अंदर घुसेंगे और फ्रैंकलिन को मारा भी और उसकी गाड़ी भी चोरी कर ली। निकलो यहाँ से भाई, ने समझ में नहीं आ रहा होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, अपने को जितना काम मिला है हम लोग को बस उतना काम करना है। एक सेकेंड, ये लोग वहाँ गाड़ी वाले किसको मार रहे हैं? ओके,
आ जाओ बेटा, कोई दिक्कत की बात, एक मिनट, पीछे से कोई गोली चला रहा है क्या? बहुत सही, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फुल तैयारी के साथ आया हूँ। एंड मेरे पास जो सूट है ना बहुत तगड़ा है। इन्हें पता ही नहीं लग रहा होगा कि आखिरकार इन्हें मार कौन रहा है और क्यों मार रहा है। बस ये लोग भी गन वगैरह लेकर हमेशा तैयार रहते हैं। एंड मैं तो यहाँ पे पूरी तैयारी के साथ आया हूँ और तुम तो देख रहे हो लॉस सैंटोस के भाई गाड़ी वाले ना एक नंबर है भाई, वो रुकते ही नहीं है, गाड़ियाँ चढ़ाते हुए इनके ऊपर जा रहे हैं। आधा काम तो उन लोगों ने ही कर दिया। और एक सेकेंड, गैंग को ज़्यादा ही कम नहीं लग रही क्या? क्या बहुत ज़्यादा चाइनीज गैंग वाले होते हैं? आ जाओ बेटा, निकल यहाँ से, तेरे को मरने की ज़्यादा जल्दी हो रही है, पहले तुम्हें टपकाता हूँ। बहुत से गाइस, इतने अभी ज़्यादा बंदे नहीं बचे हैं, जल्दी जल्दी से इन सबको टपकाता हूँ। एंड उसके बाद मुझे हैकर को कॉल करके पता करना पड़ेगा कि उसने गाड़ी को कहाँ पे पार किया है। वो लेस्टर भी ना भाई चाइनीज गैंग से बदला लेना था तो यहाँ पे गाड़ी खड़ी करवा दी, पर गाड़ी चोरी की मुझे बताया भी नहीं। पर अच्छा रहा लेस्टर ने ऐसा किया, अगर गाड़ी नहीं चोरी करता तो भाई शक हम पे आ सकता था, रशियन माफिया पता जरूर लगा लेता। पर अभी चाइनीज गैंग पे शक गया है तो भाई रशियन माफिया पता नहीं लगाएगा, उसे लगेगा हमने बदला ले लिया है फ्रैंकलिन का और हम लोग आराम से बच जाएंगे। देख रहे हो भाई लेस्टर का दिमाग क्या तगड़ा दिमाग चल रहा है, एक तीर से दो निशाने कर लिए, हम लोग ने फ्रैंकलिन से ही बदला ले लिया और चाइनीज गैंग से भी लेस्टर ने अपना बदला ले लिया। क्या बात है भाई लेस्टर, तेरा दिमाग बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। बाकी मैं एक काम करता हूँ गाइस, फटाफट से हैकर को कॉल करता हूँ एंड पूछता हूँ फ्रैंकलिन की कार को कहाँ पे खड़ा किया है। तो अभी मेरी हैकर से यार बात हो गई गाइस, हैकर बोल रहे हैं कि यार उसने ना एक ब्रिज के पास ले जाकर रेलवे ट्रैक होगा वहाँ पे गाड़ी को लगाया था, ना मुझे पता है रेलवे ट्रैक कहाँ पे है। तुम लोग सामने देख रहे हो ये रहा रेलवे ट्रैक एंड ब्रिज भी, और वो रही फ्रैंकलिन की कार, पिछले एक दो दिन से गाड़ी यहाँ पे खड़ी हो और किसी को पता ही नहीं है। एंड गाड़ी चोरी भी की तो की कौन सी, वहाँ पे डायमंड कार चोरी करके लाया था, तो अभी इस गाड़ी के अंदर ट्रैकर लगा था और भाई फ्रैंकलिन को ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, बुगाटी तुम लोग यहाँ देख रहे हो। भाई लेस्टर यार क्या दिमाग चलाया तूने। ओके तो गाइज अभी एक काम करते हैं, फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, फ्रैंकलिन की गाड़ी फ्रैंकलिन के पास लेकर चलते हैं और रशियन माफिया ना अभी अपने काम से बहुत ज़्यादा खुश होने वाला है क्योंकि हम लोगों ने उसका काम बहुत ही अच्छे तरीके से किया। इसीलिए रशियन माफिया यार देखो मुझे अपनी टीम में रखना चाहता है और उसने मेरे को लालच देने के लिए मुझे एक बड़ा सा घर भी गिफ्ट किया है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब तक हमारा भाई काम नहीं होता हम लोग रशियन माफिया के साथ रहेंगे। और एक मिनट गाइज, भाई रशियन माफिया ने बोला था इनमें से कोई नहीं बचना चाहिए एंड यहाँ कुछ लोग जिंदा घूम रहे हैं और मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता। अगर रशियन माफिया को पता लग गया कि मैंने चाइनीज गैंग के बंदों को जिंदा छोड़ा है तो भाई वो बोलेगा कि मैंने अपना काम अच्छे से नहीं किया। तो जितने भी लोग रोड पे नजर आ रहे हैं इन सबको पहले निपटाना पड़ेगा। निकल यहाँ से, और ये लोग कहाँ से आए यार, अभी तो कोई भी नहीं था। ये देखो, ओके ज़रूर गैंग वालों ने अपने बंदों को फ़ोन करके बुलाया होगा। सही नहीं किया भाई, कोई नहीं बचने, भाग कहाँ रहा है भाई, भगा भगा कर मारने वालों, कोई नहीं बचेगा तुम में से। एक मिनट, एक बंदा पीछे से आ रहा है ना, निकल दे रही दो। ओके भाई ये लोग देख रहे हो बाइक ले लेकर भाग रहे हैं। ओके बोलो, उन्हें जाने दो, निकल गए। कौन रह गए अभी यहाँ पे, जितने भी रह गए गाइस मुझे किसी को भी नहीं छोड़ना है क्योंकि रशियन माफिया से मेरे को परमिशन मिली है कि हमें चाइनीज गैंग को सबक सिखाना है ताकि लॉस सैंटोस की कोई भी गैंग हमारे खिलाफ ना जाए। वैसे आधे से ज़्यादा गैंग तो यार देखो हमारे साथ काम करने को तैयार हो चुकी है और अभी चाइनीज गैंग को मैंने इतना गंदा मारा है ना कि बाकी सारे लोग भी तैयार हो जाएंगे। बहुत सही गाइस, अभी तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे कोई भी नहीं बचा है, चाइनीज गैंग के बहुत सारे बंदों को मैंने टपका दिया। तो एक काम करते हैं, फटाफट से फ्रैंकलिन की गाड़ी को लेकर सीधे चलते हैं रशियन माफिया के पास और चल के गाड़ी देते हैं एंड मैं बोल दूंगा कि मैंने भाई फ्रैंकलिन का बदला भी ले लिया है। अब लॉस सैंटोस में कोई भी गैंग भाई ऐसा काम दोबारा नहीं करेगी। और तुम लोग यहाँ देख रहे हो गाइस ये कार क्या बढ़िया भाग रही है यार। फ्रैंकलिन को देखो सुपर कार्स का बहुत ज़्यादा शौक है भाई, उसके पास सुपर बाइक सुपर कार्स भरी पड़ी हैं। और यहाँ देख रहे हो भाई डायमंड कार क्या बढ़िया चल रही है, मस्त कार है यार, चलाने में तो मज़ा आ रहा है ऐसे। तो अभी मैं फ्रैंकलिन की डायमंड सुपर कार को लेकर रशियन माफिया के मेंशन पे जा रहा था और गाइस मेरे पास ना अभी यार रॉन का कॉल आया और रॉन ने मेरे को एक गुड न्यूज़ दी है। रॉन बोल रहा है कि वो ड्राइवर को लेकर सैंडी शोर्स पहुँचने वाला है। भाई कल फटाफट से यार सैंडी शोर्स पहुँच जाए। और ये खबर सुनकर मैं भाई रशियन माफिया के पास बाद में जाऊँगा, पहले मैं सीधे जा रहा हूँ सैंडी शोर्स की तरफ। भाई इतने टाइम बाद मैं ड्राइवर से मिलूंगा, पता नहीं वो कहाँ पे रह रहा था यार, ये तो अभी मेरे को रॉन ही बताएगा। रॉन को मैंने काफ़ी दिन पहले लॉस सैंटोस से बाहर भेजा था भाई ट्रेवर को ढूंढने और अब जाकर वो वापस आया। तो चल के यार फटाफट से मिलते हैं ट्रेवर से और मेरे को उससे बहुत सारी बातें करनी है। ट्रेवर यार अपने बहुत काम का बंदा है, तो फटाफट से एक काम करते हैं, पहले सैंडी शोर्स चलते हैं। मैं बोल दूंगा यार रशियन माफिया, क्योंकि थोड़ा ट्रैफिक था इसीलिए मैं आने में थोड़ा लेट हो गया। और वैसे भी अभी रशियन माफिया को पता नहीं है कि मैंने फ्रैंकलिन की कार को ढूंढ लिया है, मैंने उसे अभी कॉल करके बताया नहीं था। ओके तो एक काम करते हैं फटाफट से कार को भगाते हैं,
सीधे चलते हैं भाई सैंडी शोर्स की तरफ। रॉन ने बोला था कि ट्रेवर के एयरफील्ड पे ही वो पहुंच रहा है क्योंकि उसने एक हेलीकॉप्टर हायर कर लिया है एंड हेलीकॉप्टर से ट्रेवर को लेकर आ रहा है। फटाफट से काम करते हैं भाई, गाड़ी को भगाते हैं। और भाई इतने टाइम बाद सुपर कार चलाने में मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है एंड गाड़ी चल भी बहुत ही ज़्यादा सही रही है। मैं सोच रहा हूँ कि यार फिलहाल के लिए यार अपने लिए एक बढ़िया सी सुपर कार ले ली जाए क्योंकि नॉर्मल कार से ना यार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सुपर कार देख रहे हो क्या बढ़िया चल रही है। तो अभी हम लोग यार सैंडी शोर्स पहुंच चुके हैं और अभी मैं सीधे जा रहा हूँ ट्रेवर के एयरफील्ड पे। और गाइस मुझे ऐसा लगता है कि यार रॉन ट्रेवर को लेकर यहाँ पे पहुंच गया होगा क्योंकि काफ़ी देर पहले उससे बात हुई थी तो उसने बताया था कि वो पहुंचने वाला है एंड मुझे आने में काफ़ी टाइम लग गया। एक तो कार काफ़ी भाग रही है पर फिर भी यार देखो रास्ते में ट्रैफिक होता है और सैंडी शोर्स और लॉस सांटोस काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो फटाफट से चल के मिलते हैं और मैं अभी ट्रेवर को बोल दूंगा कि भाई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने और लेस्टर ने मिलकर तगड़ा वाला प्लान बना लिया है, बहुत जल्दी हम लोग सब कुछ ठीक करने वाले हैं। और एक सेकेंड गाइस, यहाँ पे सामने मेरे को रॉन नज़र आ रहा है और ये कर क्या रहा है भाई? और एक सेकेंड, ट्रेवर का है। हेलो रॉन, तू अकेला है क्या भाई? तूने बोला था तू ट्रेवर को लेकर आया है और हेलीकॉप्टर में क्या प्रॉब्लम हो गई? ये यहाँ पे शायद वेल्डिंग वगैरह कर रहा है। तो अभी मेरी रॉन से यार बात होगी और गाइस रॉन मेरे को बोल रहा है कि ट्रेवर को बोल लेकर तो आया था पर ट्रेवर जैसे यहाँ पे आया भाई ट्रेवर टैक्सी लेकर सीधे पलीटो की तरफ निकल गया। तो मैंने उसको बोला भाई आखिरकार अभी उसको क्या हो गया, पलीटो क्यों चला गया? तो ये बता रहा है कि यार ट्रेवर ना सैंडी शोर्स में रुकना ही नहीं चाहता है। तो मैंने उसको पूछा भाई आखिरकार अब क्या हो गया भाई, सैंडी शोर्स में अभी क्या दिक्कत हो रही है? तुम लोग तो सैंडी शोर्स में ही रहते हो और भाई ट्रेवर को यहीं पर रहना पसंद है। तो रॉन बोल रहा है कि यार जब माइकल एक साल से गायब था तो बाइकर गैंग वालों ने उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया, पूरे सैंडी शोर्स में सारे लोग को ऐसा लगता है कि ट्रेवर भाई डर के भागा था इसीलिए सारे लोग इसका मजाक उड़ाएंगे। इसीलिए ट्रेवर बोल रहा है कि जब तक वो बाइकर गैंग से बदला नहीं ले लेता है तब तक वो यहाँ पे रहेगा नहीं चाहे कितना भी टाइम लग जाए। और गाइज अभी यार देखो सही टाइम नहीं है, हम लोग यार बाइकर गैंग से बदला नहीं ले सकते। अगर मैं या फिर ट्रेवर बाइकर गैंग को मारने गए तो किसी ना किसी से उन्हें ज़रूर पता लग जाएगा और अगर उन्हें पता लग गया कि ट्रेवर यहाँ पे है भाई माइकल भी साथ में है तो हमारे पूरे प्लान पे पानी फट सकता है। तो मेरे को ड्राइवर को समझाना पड़ेगा। अभी मैं सीधे जाता हूँ पलीटो की तरफ, ड्राइवर को मैं बोल दूंगा कि भाई जब तूने एक साल इंतज़ार कर लिया तो थोड़ा वेट और कर ले, उसके बाद मैं तेरे साथ मिलकर पूरे के पूरे बाइकर गैंग को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। और अभी मेरे को उसे समझाना पड़ेगा। ड्राइवर यार अभी मेरे पे नाराज़ तो ज़रूर होगा पर अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है गाइस, अभी हम लोग बाइकर गैंग को नहीं मार सकते क्योंकि हम लोग बहुत ही बड़ा प्लान बना रहे हैं और रशियन माफिया भी यार पहले जैसा नहीं यार, उसे हम लोग आसानी से ख़त्म नहीं कर सकते, उसके लिए हमें तगड़ा वाला प्लान बनाना पड़ रहा है। बाकी गाइस ना अभी मेरे पास मॉन्स्टर सिक्योरिटी है ना मेरे पास कोई भी सिक्योरिटी है, सारी अभी सिक्योरिटी वगैरह भी जा चुकी है। फटाफट से एक काम करते हैं शॉर्टकट मार के भाई जल्दी से हाईवे पे चलते हैं और पलीटो चल के मेरे को उससे बात करनी पड़ेगी। ओके तो ये हाईवे पे आ गया ना, यहाँ देखो सीधे शॉर्टकट मार के गाइस मैं हाईवे की तरफ आ चुका हूँ और मेरे को फ्रैंकलिन की गाड़ी को आराम से चलाना है। ओके इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, ऊपर से मेरे को लग रहा है ये बुलेट प्रूफ भी है तो गाड़ी को कोई नुकसान तो नहीं पहुँचेगा, फिर भी मेरे को आराम से चलाना है। और तुम लोग यहाँ देखो बाइकर गैंग वाले ही ना, इन्हीं की वजह से ट्रेवर गया है। एक सेकेंड इन दोनों को मैं अभी सबक सिखाता हूँ। उतर बेटा तेरी तो ऐसी की तैसी, निकल यहाँ से। ओके भाई वो निकल यहाँ से। ओके पहले साइड होने दे मेरे को, निकल तेरी निकल यहाँ से। ओके इसको तो मैंने टपका दिया, एक भाग गया है ना उसे भी रास्ते में घेर कर मारता हूँ भाई, इन्हें ख़त्म तो करना है, मुझे इन लोगों से ड्राइवर का बदला तो लेना है। और एक मिनट यार ये गाड़ी का गेट ही लॉक नहीं हुआ है और मैं अभी लॉक नहीं कर सकता, अगर लॉक करने के चक्कर में वो बाइकर गैंग का बंदा भाग ना जाए। एक सेकेंड भाई वो आगे ही आ रहा था ना, कहाँ निकल गया बाइक लेकर? अबे यार हाथ से निकल गया वो भाई, वो किसी को बताना दे मेरे बारे में, वैसे शायद उसने मेरे को देखा नहीं बाइक को भगाता हुआ ले गया। ओके पता नहीं कहाँ चला गया, बस उसने मेरे को देखा ना हो नहीं तो यार गड़बड़ी हो जाएगी। तो एक काम करते गाइस पलीटो आ चुके हैं, फटाफट से चल के ड्राइवर से मिलते हैं और ड्राइवर से चल के यार बातचीत करते हैं। तो अभी हम लोग यार पलीटो पहुँच चुके हैं और गाइस ड्राइवर मेरे को पता है कहाँ पे मिलेगा, रॉन ने मेरे को बता दिया था। एंड एक सेकेंड तुम्हारी तो ऐसी की तैसी भाई, लॉस सांटोस में अभी देख रहे हो जहाँ देखो वहाँ बाइकर गैंग नज़र आ जाती है, निकलो यहाँ से भाई। देख रहे हो हर एक जगह बाइकर गैंग है, हर एक जगह भाई। ड्राइवर सही बोल रहा है यार, जल्दी कुछ ना कुछ बाइकर गैंग का करना पड़ेगा, बाइकर गैंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है भाई। ड्राइवर जब था तो बाइकर गैंग कंट्रोल में रहती थी पर जब से ड्राइवर गया है ना बाइकर गैंग बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। और एक सेकेंड
ट्रेवर यहीं फार्म पे होना चाहिए। रॉन ने मेरे को लोकेशन तो यहीं की दी थी। इस फार्म का जो ऑनर है वो ट्रेवर का काफ़ी पुराना दोस्त है, तो ट्रेवर यहीं पे मेरे को मिलेगा। क्यों फटाफट से चल के देखते हैं। और गाइस ये खड़ा है सामने ट्रेवर। भाई पूरे एक साल के बाद ट्रेवर से मिल रहा हूँ और इसकी हालत तुम लोग देख रहे हो भाई, इसकी हालत तो मेरे से भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। हेलो ट्रेवर, शायद तूने मेरे को पहचाना नहीं। भाई मैं माइकल हूँ। ओके तो गाइस इससे बात करते हैं, इसने मेरे को पहचाना ही नहीं, इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। सही में ट्रेवर की हालत ख़राब हो रही है। फटाफट से इससे बात करते हैं और से पता करते हैं कि भाई ये कर क्या रहा है। तो अभी गाइस मेरी ट्रेवर से बात हो गई और गाइस ट्रेवर मेरे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया। पहले तो इसने मेरे को पहचाना नहीं, फिर मैंने यार सबके तरह से फ़ोन में फोटोज दिखाए, मैंने इसको बताया हम लोग कुछ तगड़ा प्लान कर रहे हैं रशियन माफिया को ख़त्म करने का। तो ट्रेवर बोल रहा है उससे यकीन नहीं हो रहा है कि माइकल जिंदा है, क्योंकि भाई माइकल तो मर चुका था ना, तो माइकल कहाँ से आ गया। तो मैंने इसको बोला भाई बहुत लंबी कहानी है, मैं तेरे को आराम से बताऊँगा, बस तू मेरी अभी बात सुन। ड्राइवर यार देख, तेरे को जल्दबाजी नहीं करनी होगी, तेरे को ढूंढने में हम लोगों ने बहुत टाइम लगा दिया और हमारी टीम यार एक साथ लॉस सैंटोस में वापस आने वाली है। हम लोग रशियन माफिया को ख़त्म करेंगे, हम लोग दोबारा वैसे ही रहेंगे लॉस सैंटोस में जैसे रहते थे और फिर से राज करने वाले हैं, पर उसके लिए हमें थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा वेट करना होगा। और तूने यार देख जब पूरे एक साल इंतज़ार किया है तो थोड़ा सा वेट और कर ले, और प्लीज़ यार तब तक तू पलीटोई में रहे और किसी की नज़र में मत आना, नहीं तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो जाएगी। बाकी मैं तेरे अकाउंट में पैसे वगैरह ट्रांसफ़र करा दूंगा, थोड़ी अपनी हालत ठीक कर ले, तेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, और कपड़े वगैरह भी अपने लिए ले लेना और तब तक यहीं पे रह जब तक मैं तेरे को कॉल ना करूँ, और मैं तेरे लिए रहने का एक बढ़िया से घर का इंतज़ाम कर दूंगा, पर कुछ दिन तक तू यहीं पे रह। गाइस मेरी ड्राइवर से बात हो गई है, मैं ज़्यादा देर इसके पास नहीं रह सकता, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है और आप लोग को पता है ड्राइवर का दिमाग अगर ख़राब हो गया तो वो मेरी भी नहीं सुनेगा, सीधे चला जाएगा रशियन माफिया को ख़त्म करने, क्योंकि माइकल को देखकर ड्राइवर के अंदर हिम्मत आ चुकी है और ड्राइवर अभी बोल रहा है कि भाई जो होगा देखा जाएगा, चल के रशियन माफिया से निपटते हैं। तो मैंने इसे समझा तो दिया है कि यार कुछ टाइम इंतज़ार कर ले, जब इतना इंतज़ार किया है तो थोड़ा वेट और कर ले। ओके तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, और मैंने आप लोग को बोला था ना कि हमारी टीम भाई वापस आने वाली है, क्योंकि सबसे लेस ने कॉन्टैक्ट कर लिया है, बहुत जल्दी एक एक करके पूरी टीम आ जाएगी। अभी ट्रेवर आ चुका है, गोल्ड माफिया से मैं मिल लिया, डगन बॉस से मैं मिल लिया, अभी बस इंडियन डॉन का फादर और बाकी के अपने टीम मेंबर्स आना बाकी रह गए। तो एक बार वो लोग भी आ जाए, पूरी टीम एक साथ हो जाए, उसके बाद रशियन माफिया को हम लोगों से कोई नहीं बचा सकता है। बाकी गाइज अभी मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से कार को भगाते हैं और जल्दी से चलते हैं रशियन माफिया के मेंशन की तरफ, क्योंकि मुझे ये कार उसको वापस देनी है। ऐसा ना हो कि वो मेरी लोकेशन भी ट्रैक कर ले, अगर ऐसा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए फटाफट से मेरे को यहाँ से चलना पड़ेगा। तो अभी मैं यार जा रहा था रशियन माफिया के मेंशन पे फ्रैंकलिन की कार को वापस करने पर, गाइस फ्रैंकलिन ने मेरे को खुद कॉल किया है। फ्रैंकलिन बोल रहा है कि मैं गाड़ी ना रशियन माफिया के मेंशन पे लेकर ना जाऊँ, मैं सीधे कस्टम की शॉप पे ले आऊँ, क्योंकि फ्रैंकलिन को अपनी कार में थोड़ा काम करवाना है और गाड़ी को वॉश भी करवाना है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, मेरे को तो गाड़ी देनी है, मैं गाड़ी को बस अभी लेकर आया, और कस्टम की शॉप ज़्यादा दूर पे नहीं है, ओके बस पास में ही कस्टम की शॉप पे, हम लोग को बस इस गाड़ी को वहाँ छोड़ना है, अपना काम हो जाएगा एंड मैं फिर निकल जाऊंगा भाई लेस्टर से मिलने। एक काम करते हैं, फटाफट से कस्टम की शॉप पे चलते हैं, अंदर लेकर जाने या बाहर ही काम करता हूँ, अंदर ही लगा देता हूँ। और तुम लोग यहाँ देख रहे हो गाइस, फ्रैंकलिन की बुगाटी यहाँ पे खड़ी हुई है। फटाफट से काम करते हैं, कार को यहाँ पार्क कर देते हैं एंड कार की की ले जाकर मैं फ्रैंकलिन को देता हूँ। वो खड़ा है फ्रैंकलिन, कस्टम वाले से बातचीत कर रहा है। ओके तो फटाफट से मैं इसको कार की देता हूँ एंड जल्दी से निकलते हैं। तो अभी मैंने फ्रैंकलिन को यार कार की दे दी और मैंने भाई बोल दिया है फ्रैंकलिन को, तुम्हारी गाड़ी सामने खड़ी है भाई, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। बाकी फ्रैंकलिन भाई इस काम के लिए ना मेरे को थोड़े पैसे दे रहा था, वो मेरे काम से खुश हो गया है कि मैंने उसकी गाड़ी इतनी जल्दी लेकर आ गया, वो भी एकदम सही सलामत। तो मैंने उससे पैसे लिए नहीं और मैंने कुछ बोला नहीं, बस मैं सीधे बाहर आ गया, क्योंकि मुझे फ्रैंकलिन से कोई मतलब ही नहीं है, फ्रैंकलिन से तो हम लोग बाद में निपटेंगे। बाकी गाइस मुझे ना अभी यार लेस्टर के पास जाने के लिए गाड़ी चाहिए होगी। ओके तो कोई कार आसपास खड़ी है क्या? सामने से यार गाड़ियाँ जा तो रही है भाई, जब भी मैं गाड़ी चोरी करने जाता हूँ मुझे बढ़िया गाड़ी मिलती ही नहीं है। कि यहाँ से गाड़ी आ रही है, फटाफट से काम करते हैं, इसको उठा लेते हैं। बाकी चोरी की गाड़ियाँ ना मैं रास्ते में बार बार बदलता रहता हूँ ताकि किसी को पता ना लगे। ये बहुत सही, तो गाइज अपने को एक कार मिल चुकी है, फटाफट से चलते हैं लेस्टर के पास और चल के उससे बात करते हैं। बाकी के टीम मेंबर्स यार कब तक आएंगे मेरे को पता करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सबका वेट कर रहा हूँ। तो भी यार मैं लेस्टर के पास पहुँचने वाला हूँ और जल्दी से चल के उससे बात करते हैं और लेस्टर को भी चल के बताना है कि यार ट्रेवर आ चुका है। ये बात सुनकर लेस्टर बहुत ज़्यादा खुश होने वाला है, क्योंकि ट्रेवर ना हमारी टीम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी तक मुझे लगता है ट्रेवर को पता नहीं है कि फ्रैंकलिन ना रशियन माफिया के साथ काम कर रहा है।
अगर पता होता ना तो ड्राइवर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता। ओके तो गाइज मैं आ चुका हूँ फार्म हाउस पे, मुझे आराम से साइड में गाड़ी लगानी है। और एक सेकेंड, वहाँ एक कार खड़ी है, ये कार किसकी है? यहाँ पे कोई आया है क्या? ओके एक मिनट चल के देखते हैं। भाई ये गाड़ी तो जानी पहचानी सी लग रही है। एक सेकेंड लेट्स चेक करें, कुछ चल के फटाफट से देखना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है ना? वैसे कुछ गड़बड़ी नहीं लग रही है, लोग आराम से बैठे हुए हैं। हेलो लेस्टर घर पे है क्या? एक सेकंड यहाँ पे तो है ही नहीं। इन लोगों से पता करता हूँ, शायद इन्हें कुछ पता होगा। तो अभी मैंने यार से पता कर लिया और गाइस अभी मेरे को पता लगा है कि लेस्टर यार घर के पीछे और वो किसी से बातचीत कर रहा है। ओके तो गाइस ये रहा यहाँ पे लेस्टर, और ये बात किससे कर रहा है यार? ये बंदा तो सैंडी शॉर्ट्स का ही लग रहा है ना। लेस्टर ने ज़रूर इसको कोई काम दिया होगा एंड यहाँ पे बुलाकर इससे बात कर रहे हैं। बहुत सही, तो इसको पहले बात बात करने देते हैं एंड उसके बाद इससे बात करते हैं, अपनी टीम के बारे में पता करता हूँ। और हाँ ट्रेवर के बारे में भी बताना है कि ट्रेवर आ चुका है। और गाइस जब भी हम लोग अलग अलग नहीं रह सकते तो इसीलिए हम लोग को एक सीक्रेट जगह का इंतजाम करना पड़ेगा जहाँ पे हमारी पूरी टीम एक साथ रह पाए। बस एक बार पूरी टीम आ जाए फिर मैं काम करूँगा। डगन बॉस और गोल्ड माफिया को भी लॉस सैंटोस बुला लूँगा, उनकी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। बाकी माइकल की फैमिली तो एल रूबियो के आइलैंड पे ही रहेगी। एंड हाँ अभी अपने पास कोई फोर्स नहीं है, अपने पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो अभी हम लोग को जो भी करना है वो खुद से ही करना होगा क्योंकि अभी हम लोग अपने साथ कोई भी सिक्योरिटी या फिर फोर्स नहीं रख सकते। ओके तो गाइस अभी वो बंदा जा चुका है एंड लेस्टर यहाँ पे देख रहे हो मेरे पास आ रहा है। ओके तो लेस्टर मेरे को तेरे को एक गुड न्यूज़ देनी है भाई। ट्रेवर अभी आ चुका है, रॉन से लेकर आ गया, पर उसकी हालत यार कुछ ठीक नहीं लग रही है। एंड ट्रेवर यार बहुत ज़्यादा नाराज़ है, वो चाहता है कि हम लोग जल्दी से जल्दी बाइकर गैंग से बदला लें। पर हाँ मुझे पता है हम लोग अभी ऐसा कर नहीं सकते हैं। मैंने उसे अभी समझा के पलीटो भेज दिया है, पर रहने का इंतजाम करना पड़ेगा, हम लोग अलग अलग नहीं रह सकते। बाकी पहले तू ये बता बाकी के टीम मेंबर्स का है, क्योंकि तूने बोला था कि सबसे कॉन्टेक्ट हो चुका है, सारे लोग आ चुके हैं, तो भाई सारे लोग है कहाँ पे? सो अभी मेरी लेस्टर से यार बात हो गई। और गाइस लेस्टर बोल रहा है माइकल बिल्कुल टेंशन ना ले, सारे लोगों से कांटेक्ट हो चुका है और इंडियन डॉन तो लॉस सैंटोस सिटी आ भी चुका है। तो इंडियन डॉन काफी देर से माइकल को कॉल करने की कोशिश कर रहा है पर माइकल का नंबर ही बदल गया है, तो उसने लेस्टर को कॉल किया था और लेस्टर से बात हो चुकी है। इंडियन डॉन अभी एलेक्स के घर पे हमारा इंतजार कर रहा है। तो लेस्टर भाई देर किस बात की, फटाफट से चलते हैं और इंडियन डॉन से चल के मिलते हैं। भाई उससे भी बहुत टाइम हो चुका है। गाइज अभी ना यार अपनी पूरी टीम आ चुकी है भाई, बहुत ज़्यादा खुश हो रही है भाई। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को भाई कैसा लग रहा है माइकल की पूरी टीम वापस आ चुकी है और अब लॉस सैंटोस में क्या होने वाला है। ओके तो चल के मिलते हैं। बाकी मैंने लेस्टर से पूछा कि यार आखिरकार वो बंदा कौन था जिससे तू बात कर रहा था, तो लेस्टर ने मेरे को बताया कि यार वो गार्बेज ट्रक चलाने वाला है, पर वो ना लॉस सैंटोस सिटी में गार्बेज ट्रक चलाता है एंड रशियन माफिया के घर उसका आना जाना रहता है, तो इसीलिए उस बंदे को ना रशियन माफिया के रूटीन के बारे में पता करने के लिए बोला था एंड वो सारी चीज़ें आकर भाई लेस्टर को बता रहा था। मतलब लेस्टर के तुम लोग लिंक देख रहे हो गाइस, कितने तगड़े लिंक। और एक मिनट भाई, मुझे लगा हमारी गाड़ी में स्क्रैचेस लगे हैं, पर ये गाड़ी भाई काफ़ी तगड़ी ऑफ रोडिंग के लिए भाई मस्त कार है। और लेस्टर कहाँ से तूने मंगवाई ऐसी गाड़ी? कुछ दिनों पहले तक मेरे पास भी थी बट हाँ ये उससे थोड़ी बढ़िया गाड़ी है। तो एक काम करते हैं गाइस, फटाफट से चलते हैं एलेक्स घर पे और चल के इंडियन डॉन से मिलते हैं। और इंडियन डॉन अकेला क्यों आया यार? बॉस और इंडियन डॉन का फादर कहाँ है उसके बारे में मेरे को पता करना पड़ेगा। फटाफट से एक काम करते हैं, जल्दी से चलते हैं गाइस एलेक्स के घर पे और चल के इंडियन डॉन से मिलते हैं। जो भी हम लोग यार एलेक्स के घर वो पहुँचने वाले। और गाइस अभी भी अपना माइकल यार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है इंडियन डॉन से मिलने के लिए। लेस्टर भी बहुत ज़्यादा खुश है और इंडियन डॉन के भी बहुत सारे कॉल आ चुके हैं कि भाई कब तक आ रहे हो, मैं भी गाड़ी को भगाता आ रहा हूँ। गाइस सामने तुम लोग देख सकते हो वो रहा एलेक्स का घर। और जब भी मैं इस साइड आया ना मेरे को एलेक्स की भाई बहुत ज़्यादा याद आई है। मतलब एलेक्स को मुझे पता है आप सारे लोग मिस करते हो। ओके फटाफट से हम लोग अंदर चलते हैं। सामने देख रहे हो गाइस यहाँ पर रेंज रोवर खड़ी है और एलेक्स के पास रेंज रोवर ही थी। इंडियन डॉन अभी भी इसको संभाल के रख रहा है, क्या बात है भाई। एक काम करते हैं फटाफट से चलते हैं, मेरे को लगता है वो पीछे की साइड ही होगा। ओके गाइस ये रहा यार इंडियन डॉन। आज का दिन माइकल के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है भाई। माइकल अपने सारे पुराने दोस्तों से भाई मिल रहा है, ट्रेवर से मिलकर भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई और इंडियन डॉन को इतने टाइम बाद देखकर माइकल को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। सबके आने से माइकल के अंदर एकदम हिम्मत आ चुकी है भाई रशियन माफिया से लड़ने की, क्योंकि अभी पूरी टीम एक साथ आ चुकी है, अब रशियन माफिया का पता नहीं क्या होगा। और इंडियन डॉन भाई क्या हाल चाल है तेरे, पूरे एक साल के बाद मैं तेरे को देख रहा हूँ। और हाँ तूने मेरे को पहचान ही लिया होगा क्योंकि लेस्टर ने भाई मेरा फोटो तेरे को भेज दिया था। मैंने अभी बॉडी सूट पहन रखा है और बहुत जल्दी ये सूट मैं निकाल दूंगा भाई, आराम से हम लोग रहेंगे। रशियन माफिया को ख़त्म करना है, बस एक बार अपने सारे बंदे आ जाए। और तुझे देखकर मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी यार इंडियन बॉस और तेरा फादर कहाँ पे है,
वो क्यों नहीं आए यहाँ पे। तो अभी यार इंडियन डॉन से मेरी बात होगी और गाइस इंडियन डॉन माइकल को देखकर बहुत ज्यादा खुश है भाई। उसको पता लगा जब माइकल जिंदा है वो सारे काम छोड़कर सीधे फ्लाइट पकड़कर इंडिया से यहाँ पर आ गया। इंडियन डॉन बोल रहा है कि माइकल बिल्कुल टेंशन ना ले, अभी वो उसके साथ है एंड पिछले एक साल में उसने अपनी सिक्योरिटी अपनी आर्मी को बहुत ज्यादा तगड़ा कर लिया है। अभी रशियन माफिया हमारे हाथ से नहीं बचेगा, हम लोग उसे बुरी तरीके से मारेंगे। बाकी इसने मेरे को बताया कि इसका फादर और इंडियन बॉस इसलिए नहीं आया, उन्हें कोई जरूरी काम था, पर उन्हें भी पता लग चुका है और वो भाई अपना काम खत्म करके बहुत जल्दी लॉस एंटोस आ जाएंगे और उसके बाद अपनी टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। बाकी लेस्टर और अभी ये दोनों बातचीत कर रहे हैं और गाइस इसे बहुत सारी बातें करनी है तो अभी आराम से इससे बातचीत करते हैं। तो अभी यार माइकल और लेस्टर मिलकर इंडियन डॉन से बातचीत कर रहे थे, अपने प्लान के बारे में बता रहे थे और गाइस अचानक से मेरे पास कैप्टन का मैसेज आया और मैंने जब मैसेज चेक किया तो गाइस मैसेज में लिखा है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है और उसने बोला है कि माइकल उसे जल्दी से जल्दी आकर मिले। पर मैं सोच रहा हूँ कि यार इतने टाइम बाद यार इंडियन डॉन मिला है तो मैं ना इसको कुछ भी ना बताऊँ, मैं यहाँ से चुपचाप से निकल जाऊँ। ओके तो लेस्टर और इंडियन डॉन मेरे को एक ज़रूरी काम आ गया है भाई, मेरे को जाना होगा, तो थोड़ा संभल के रहना, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि तू यहाँ पे है, थोड़ा अंडरग्राउंड रहे और मैं तेरे से थोड़ी देर में आकर मिलता हूँ। तो लेस्टर तू इसके साथ ही रहना, मैं फटाफट से यहाँ से निकलता हूँ। गाइस मेरे को नहीं पता प्रॉब्लम क्या हो गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कैप्टन के बारे में पता लग गया हो कि यार कैप्टन हमारी हेल्प कर रहा है और कैप्टन मुसीबत में पड़ गया हो। भाई कुछ भी हो जाए मेरे को उसकी हेल्प तो करनी है क्योंकि वो हमारा दोस्त है। तो फटाफट से चलते हैं, जो उसने मेरे को लोकेशन दिया है गाइज वो लोकेशन भाई काफ़ी ज़्यादा दूर की है एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद लाइट हाउस की तरफ है। तो वो वहाँ क्या कर रहा है मेरे को, वो वहाँ पे क्या कर रहा है मेरे को नहीं पता। एक काम करता हूँ, रास्ते में चलते चलते उसे कॉल लगाता हूँ एंड पता करता हूँ हुआ क्या है। फटाफट से लोकेशन पर चलते हैं, बस वो मुसीबत में ना पड़ गया हो। ओके तो फटाफट से गाइज यहाँ से निकलते हैं। तो अभी हम लोग यार उस लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं जो लोकेशन मेरे को कैप्टन ने दी थी और गाइस मेरे को लग ही नहीं रहा था कि लाइट हाउस के पास है। भाई इसने मेरे को बुलाया ही यहाँ पे है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यार अगर इससे कोई बात करनी थी तो सिटी में बुला लेता। एंड हाँ मैंने इसे कॉल भी किया था तो बोल रहा है पहले माइकल आ जाए फिर वो आराम से बताएगा। ओके एंड इस साइड में तो अपने हैकर का घर भी है ना, वो आजकल यहाँ पे रहता है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना उससे भी मिल लिया जाए। ओके वो रहा कैप्टन और ये यहाँ पर क्यों खड़ा है। हेलो भाई कैप्टन सब ठीक है ना। भाई तूने मैसेज में बोला था कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, भाई फटाफट से बता हुआ क्या है। तो अभी मेरी कैप्टन से यार बात हो गई और गाइस कैप्टन ने एक शॉकिंग चीज़ बताई है। कैप्टन बोल रहा है कि हैकर की जान खतरे में है भाई, पुलिस वाले हैकर को पकड़ने गए हैं रशियन माफिया के कहने पे। तो मैंने इससे बोला भाई रशियन माफिया को पता कैसे चला है हैकर यहाँ पे रह रहे हैं। तो कैप्टन बता रहे हैं कि फ्रैंकलिन के घर के एक सीसीटीवी कैमरे में उसका फेस आ गया था एंड जब रशियन माफिया ने भाई उसको ढूंढना स्टार्ट किया तो उसकी लोकेशन मिल गई और उसे अभी पुलिस को पकड़ने के लिए भेजा है। वो तो यार कैप्टन की जान पहचान का एक सॉर्ट का बंदा है जो यहाँ पर आया है, उसी ने भाई कैप्टन को इन्फॉर्मेशन दी थी और कैप्टन ने माइकल को यहाँ पे बुला लिया। ये बोल रहा है कि यार मैं उसकी जान तो बचाना चाहता हूँ पर मैं कुछ कर नहीं सकता, इसीलिए मेरे को कॉल करके बुलाया। ओके तो कैप्टन ठीक है तू कुछ नहीं कर सकता, मैं करने वाला हूँ भाई, थैंक यू सो मच तूने मेरे को बताया। भाई कुछ भी हो जाए मैं हैकर की जान बचाऊंगा, उसने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तो मैं जा रहा हूँ भाई अभी पुलिस वालों से लड़ने, मैं हैकर को कुछ नहीं होने दूंगा, तू यहीं पर रह और तू भाई बीच में मत आना। ये तो बहुत तगड़ा सीन हो गया, अगर हैकर पकड़ा जाता है तो रशियन माफिया उसे भाई टॉर्चर करेगा, उसे भाई पता करेगा एंड अगर उसने सारी सच्चाई बता दी तो हमारा प्लान शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाएगा और हम सब लोग दोबारा मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो गाइस मेरे को फटाफट से चलना होगा, कुछ भी हो जाए गाइस मैं हैकर को भाई पकड़ने नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए गाइस मेरे को हैकर की जान बचानी है। ओके सामने तुम लोग देख रहे हो बहुत ज़्यादा पुलिस आ चुकी है। अबे यार लेस्टर तेरे से गड़बड़ी हो गई भाई, लेस्टर ने सारे के सारे सीसीटीवी कैमरा के फुटेज को ख़त्म कर दिया था, पता नहीं हैकर का फुटेज कहाँ से आ गया एंड ये काम पुलिस को इसलिए दिया है ताकि पुलिस अच्छे से करे और पुलिस के बीच में कोई भी ना आए। और हैकर के घर के चारों तरफ फेंस लगी हुई थी ना, वॉल थी एक, इन लोगों ने वॉल तोड़ दी है और हैकर को बाहर निकलने के लिए बोल रहे हैं। ओके गाइस कुछ भी हो जाए मुझे इन सबको मारना है, मुझे पता है ये काम करने से मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा, पर कुछ भी हो जाए मैं हैकर को भाई खतरे में नहीं डाल सकता, उसकी जान बचानी पड़ेगी। तो अभी गाइस अभी मैं इनको एक एक करके ख़त्म करने वाला हूँ और सबसे पहले मुझे इनकी गाड़ियाँ उड़ानी है। ओके मैं इनकी गाड़ियाँ इसलिए उड़ाने वाला हूँ ताकि ये लोग यहाँ से हैकर को लेकर ना जाएं। बहुत सही सोट की यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ आ चुकी हैं एंड मुझे नहीं पता ये सूट कब तक टिकने वाला है, क्योंकि साइंटिस्ट ने मेरे को बोला था कि मैं सूट को ज़्यादा डैमेज ना करूँ एंड अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। गाइस अगर मैंने हैकर को नहीं बचाया तो ये लोग हैकर को पकड़ के रशियन माफिया के पास ले जाएंगे और आप लोग को पता है हमारा एक हैकर मर चुका है एंड मैं दूसरे को रिस्क नहीं ले सकता और उस बंदे ने हमारे लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। तुम्हारी तो ऐसी की तैसी भाई, मैं यहाँ पर किसी को नहीं छोड़ने वाला, मुझे यहाँ पर हैकर की जान बचा रहा हूँ। पर कुछ भी हो भाई
चाहे रशियन माफिया को मेरी सच्चाई पता लग जाए, पर हम लोग हैकर की जान बचाएंगे। ओके, मुझे पता है गाइस बहुत ज़्यादा पुलिस आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सबसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। थोड़ा पीछे चलते हैं ताकि लोग हैकर के घर से थोड़ा दूर जाए और वो अपनी जान बचा कर भाग पाए। ओके, बहुत से भाई जल्दी थोड़ा थोड़ा आगे चलते हैं। तो अभी गाइस मैंने यहाँ पे बहुत सारे पुलिस वालों को मार दिया और मुझे पता है मैं इन्हें मार रहा हूँ तो इनके पीछे और भी यहाँ पे फोर्स के बंदे आने वाले हैं, पर भाई मैं अभी किसी से नहीं डरने वाला। ओके, तो गाइस मैंने हैकर को यहाँ पे भागते हुए देखा है, हैकर शायद जेट्स की लेकर निकल रहा है। बहुत सही, हैकर ने बहुत ही सही काम किया। ओके, उसे लगा नहीं होगा कि मैं उसकी जान बचाने आऊँगा, और सही बताऊँ तो हमें पता ही नहीं था कि उसकी जान खतरे में है। वो तो यार कैप्टन को पता लग गई, क्योंकि कैप्टन की यार शॉट के काफ़ी सारे बंदों से जान पहचान है, और अभी हम लोगों ने उसकी जान बचा ली। अगर रशियन माफिया अपने हैकर को पकड़ लेता ना तो भाई सारी सच्चाई उगलवा लेता। ओके, कहीं से तो मुझे हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही है, और गाइस तुम लोग यहाँ देखो पुलिस वालों ने अपना बैकअप बुला लिया है, यहाँ पे सोर्ट के बंदे आ चुके हैं। बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं है। अभी गाइस मैंने यहाँ पे हैकर को तो बचा लिया, हैकर यहाँ से भाग गया है, लोग हैकर को नहीं, अब ये लोग मेरे को पकड़ेंगे तो मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। बहुत सही, इससे पहले यहाँ पे और भी पुलिस वाले आए, मैं फटाफट से यहाँ से निकलता हूँ। ओके, वो खड़ी है सामने मेरी कार, जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा और पुलिस से अपनी जान बचानी होगी। रास्ते में जाकर मैं लेस्टर को कॉल करूंगा, लेस्टर को बोलूंगा भाई मैं उस मुसीबत में पड़ चुका हूँ। और वो देखो गाइस सामने भाई सैंडी शोर्स की पुलिस भर भर के आ रही है, निकल यहाँ से भाई, देख रहे हो कितनी ज़्यादा पुलिस आ रही है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेरे पास वेपन्स ना पूरे भरे पड़े हैं। ओके, फटाफट से निकलते हैं। बहुत सही, जल्दी मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा। इन सब ने गाइस मेरे को पहचान लिया और इन्हें पता है कि मैं रशियन माफिया के साथ काम करता हूँ, तो ये लोग रशियन माफिया को जाकर ज़रूर बताएंगे, पर अब जो भी होगा देखा जाएगा भाई, उससे हम लोग बाद में निपटेंगे, पहले हम लोग यहाँ से निकलते हैं। ओके, फटाफट से भागते हैं और यहाँ देख रहे हो कितनी ज़्यादा गाड़ी आ रही है। एक सेकेंड भाई, कैप्टन तू गया नहीं यहाँ पे? अबे यार कैप्टन मेरे को बचाने के लिए यहाँ पे भाई मेरी हेल्प कर रहा है। कैप्टन यार ये क्या कर रहे है तू, चल भाई यहाँ से। कैप्टन तूने ये बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने तेरे को बोला था ना यहाँ से जाने के लिए। भाई कैप्टन ने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल दी और यहाँ देख रहे हो पुलिस वालों से लड़ रहे है। अरे भाई इसे लेकर यहाँ से निकलना पड़ेगा, जल्दी कैप्टन क्या कर रहा है भाई, फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले यहाँ पे और भी पुलिस वाले आ जाए। तो अभी मैंने कैप्टन को समझा दिया है कि यार अभी हम लोग यहाँ से निकलना पड़ेगा, और तू आखिरकार यहाँ कर क्या रहा है जब मैंने तेरे को जाने के लिए बोल दिया। कैप्टन बोल रहा है भाई वो माइकल को ऐसे मुसीबत में छोड़ के नहीं जा सकता और वो माइकल के लिए जान बचाएगा। ठीक है कैप्टन, गाड़ी में बैठ, यहाँ से निकलते हैं। तुम लोग यहाँ देख रहे हो गाइस चारों तरफ से यहाँ पे पुलिस आ रही है, और जाते जाते यार कैप्टन की गाड़ी हम लोग यहाँ पे उड़ा देते हैं ताकि किसी को पता ना लगे कि कैप्टन यहाँ पे आया था। ओके, बहुत सही, क्योंकि कैप्टन ने यार देखो हुडी वगैरह पहन रखी है, और हम लोग ने कैप्टन की गाड़ी यहाँ पे उड़ा दी। तो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, कैप्टन को देखो कोई भी नहीं पहचानेगा, उसने हुडी और मास्क लगा रखा है, बट हाँ मुझे यहाँ पे सारे लोगों ने पहचान लिया। और एक सेकेंड, गाड़ी में भी स्टिकी बॉम्ब लगाओ। ओके, एक सेकेंड भाई मैं गलती से गाड़ी से नीचे गिर गया, पता नहीं क्या सीन हुआ। एक मिनट यार, मेरे पास मिनी गन है ना, अभी मैं इन लोगों को सबक सिखाता हूँ। मुझे लगता है अभी मिनी गन को निकालना ही पड़ेगा, पर मिनी गन नहीं निकाली, हम लोग यहाँ पे फंस सकते हैं। निकलो यहाँ से भाई, इतनी देर हो गई, मैं यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, मैंने सोचा इन लोगों को छोड़ देते हैं, पर ये लोग मानने वाले नहीं हैं। अबे कैप्टन तू भी मिनी गन निकालना भाई, क्या नॉर्मल सी गन चला रहा है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी गाइस कैप्टन ने भी भाई मिनी गन निकाल दी, और कैप्टन बोल रहे हैं कि अभी भागना बंद, और भाई पुलिस वालों को मारना चालू करते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे रशियन माफिया के लिए काम करते हैं। जितने भी यहाँ पे पुलिस वाले आ रहे हैं ना, वो सारे रशियन माफिया के बंदे हैं, तो हमें रशियन माफिया से वैसे भी बदला लेना है, तो क्यों ना अभी शुरुआत कर दी जाए। ओके, तो कैप्टन भी बिल्कुल ठीक बोल रहा है भाई, इन सबको टपकाते हैं, भागना बंद और इन सबको ख़त्म करते। और एक सेकेंड, क्योंकि इसने मिनी गन निकाली थी ना, फिर से भाई नॉर्मल गन चला रहा है, मेरे को नहीं पता ऐसा क्यों कर रहा है। कि कैप्टन निकले क्या यहाँ से? ठीक है भाई निकलते हैं, उसको बहुत सारी गोलियां लगी हुई हैं भाई, जल्दी यहाँ से भागते हैं। तुम लोग यहाँ देख रहे हो कहाँ कहाँ पे बंदे आ चुके हैं, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं गाड़ी से बाहर कैसे निकल गया भाई, मैं तो स्टिकी बॉम्ब फेंक रहा था ना। अभी कैप्टन जल्दी बैठ, निकलते हैं यहाँ से। ओके भाई, सैंडी शॉर्ट्स के साथ साथ पूरे लॉस सैंटोस की पलीटो की सारी पुलिस यहाँ पे आ रही है, और हमारे पीछे पड़े हो, तुम लोग देख रहे हो पीछे हेलीकॉप्टर भी गाइस हमारा पीछा कर रहे हैं, क्योंकि इन सबको रशियन माफिया भेज रहे हैं, और अब तक शायद उसको पता लग गया होगा कि ये काम मैं कर रहा हूँ, मैं भाई हैकर की जान बचा रहा हूँ, और उसे शायद शक भी हो गया होगा कि भाई कहीं माइकल तो नहीं है। ओके, अब जो भी होगा देखा जाएगा। अपनी टीम लॉस सैंटोस वापस आ चुकी है, हमारी टीम के सारे मेंबर्स आ चुके हैं, अभी गाइस किसी से डरने की जरूरत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, रशियन माफिया से भी निपट लेंगे, बस पहले यार अपनी जान बचा लें। ओके भाई यार ये गाड़ी ना बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही है, ठीक से चल ही नहीं रही,
हट जा आगे से भाई, यहाँ देख रहे हो पुलिस की गाड़ियाँ आने में लगी हुई हैं। मैं काम करते हैं यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, अभी इनसे लड़ना बंद करते हैं, अपनी जान बचाते हैं। ओके फटाफट से निकलते हैं। तो अभी हम लोग यार पुलिस से काफ़ी देर से भाग रहे हो गाइस। अभी मेरे पास लेस्टर का कॉल आया और लेस्टर बोल रहा है कि माइकल आखिरकार करना क्या चाह रहे हैं भाई, माइकल और कैप्टन कर क्या रहे हैं, पूरे लॉस सांटोस की पुलिस को अपने पीछे लेकर भाग रहे हैं। तो मैंने उसको बोला भाई तेरे को पूरी स्टोरी नहीं पता है, हैकर की जान खतरे में थी भाई, रशियन माफिया को पता लग गया था और वो हैकर को पकड़ने आए थे, तो इसीलिए हैकर की जान बचाने के चक्कर में मेरे को यार खुद पुलिस से लड़ना पड़ा और कैप्टन ने मेरी हेल्प की है। तो लेस्टर बोल रहा है ठीक है, अब जो भी तुम लोगों ने किया कैसे भी पुलिस के हाथ मत आना। और अभी वो पुलिस के सर्वर हैक करने का ट्राई कर रहे हैं, पर यार पुलिस वालों ने अभी अपने सर्वर्स काफ़ी तगड़े कर दिए हैं तो वो हैक कर नहीं पा रहे। और तुम लोग यहाँ देख रहे हो गाइस, ये लोग यार बहुत ही बुरी तरीके से हमारे पीछे पड़े हुए हैं। और एक सेकेंड गाइस, ओ थ्री यार अभी गाड़ी से बाहर निकलना पड़ेगा, गाड़ी पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। एक मिनट यार तुम्हारी तो ऐसी की रसी, यहाँ देख रहे हो भाई पुलिस वाले ना हम लोग को हल्के में ले रहे हैं, अगर इन लोगों ने पहचान लिया होता कि मैं माइकल हूँ ना तो कब का यहाँ से भाग गए होते, बट ये ना मेरे को ठीक से पहचान नहीं रहे इसलिए मेरे को हल्के में ले रहे हैं। कैप्टन कोई किसी को नहीं छोड़ना है, जितने भी तेरे को बंदे दिख रहे हैं ना सबको ख़त्म कर, हेलीकॉप्टर से तो मैं नहीं बढ़ता हूँ। तुम लोग क्या देख रहे हो भाई, लॉस सांटोस में कितना भी बड़ा क्राइम कर दो सिर्फ एक हेलीकॉप्टर आता है, पर रशियन माफिया के वजह से यहाँ पे दो दो हेलीकॉप्टर हमारा पीछा कर रहे हैं, क्योंकि रशियन माफिया ने बोल दिया होगा कि हमें जिंदा पकड़ के लेकर आना है, इसीलिए यहाँ पे इतने ज़्यादा बंदे आ गए। यहाँ देखो भाई यहाँ पे लाशों का ढेर लगा दिया है, पुलिस की गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ ब्लास्ट कर दी हैं। हाँ छो बेटा मिनी गन्ना पूरी भरी हुई है अनलिमिटेड गोलियों से, जितने भी यहाँ पर आओगे सबको बुरी तरीके से मारूंगा। बहुत सही गाइस, यहाँ देख रहे हो जितने भी बंदे आ रहे हैं, और एक मिनट यहाँ पे हेलीकॉप्टर कितने आ रहे हैं भाई, पुलिस के इतने सारे हेलीकॉप्टर्स, हद है भाई, भर भर के हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं। बाकी कैप्टन मुझे लगता है तेरी हालत ठीक नहीं है, तूने जो आर्मर वगैरह पहन रखा था वो डैमेज हो गया है, यहाँ से निकलना पड़ेगा भाई तो तेरी हालत ख़राब हो जाएगी, देखो गोलियाँ लग सकती हैं। कैप्टन निकलते हैं यार, ज़्यादा देर यहाँ नहीं रह सकते, फटाफट से एक काम कर गाड़ी में बैठा कर, पुलिस से पीछा छुड़ाने का कोई और रास्ता देखते हैं, हाँ जल्दी से गाड़ी में बैठ, यहाँ से निकलते हैं। गाइज मेरा सूट तो यार देखो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है, पर कैप्टन ने जो आर्मर पहना था वो भी अभी पूरी तरीके से डैमेज हो गया, और अगर ज़्यादा देर हम लोग यहाँ पर लड़ते रहे तो कैप्टन को गोलियाँ लग जाएंगी, फिर दिक्कत हो सकती है, तो फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। ओके अभी पुलिस से अगर जान बचानी है गाइस, गाड़ी से हमें गाड़ी को हमें छोड़ना पड़ेगा, मेरे पास एक प्लान है, पानी के अंदर चलते हैं। ओके कैप्टन तू अलग जा, मैं अलग जाता हूँ, बहुत सही। तो गाइस हम लोगों ने गाड़ी को पानी में जंप करा दिया, गाड़ी से हम लोग बाहर आ चुके हैं। ओके तो मैंने जंप कर दिया, कैप्टन ने भी जंप कर दिया है, कैप्टन फटाफट से पानी के अंदर जा। ओके कैप्टन कहाँ पे है, ओके कैप्टन दूसरी साइड से जा रहा है, मैं दूसरी साइड से जाऊँगा, पुलिस भाई बुरी तरीके से हमारे पीछे तो आ रही है, पर हम लोग ना अलग अलग जाएंगे तो शायद पुलिस हमें ढूंढ ना पाए। बहुत सही गाइस, पुलिस को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग जा कहाँ पे रहे हैं। एक मिनट, ऊपर से हेलीकॉप्टर्स गोलियाँ चला रहे हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं थोड़ी देर पानी के अंदर रहूँगा तो शायद पुलिस वाले हमारा पीछा छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं। मैं काम करता हूँ गाइस, घास के बीच में जाता हूँ, यहाँ शायद मेरी जान बच जाए, और मेरे को सांस लेने एक बार पानी के ऊपर तो जाना ही पड़ेगा, बस कैप्टन मुसीबत में ना पड़ जाए। तो अभी गाइस हम लोग को पानी में यार काफ़ी घंटे हो चुके हैं, मैं बार बार ऊपर जा रहा हूँ, बस सांस लेकर पानी के अंदर आ जा रहा हूँ। तुम लोग देख रहे हो गाइस यहाँ पे रात हो चुकी है और अब जाके पुलिस ने भाई पीछा छोड़ा है, करीब दो तीन घंटों से मैं बार बार वही काम कर रहा हूँ, बस सांस ले रहा हूँ भाई, पानी के अंदर चला जा रहा हूँ, एंड अभी जाके पुलिस ने पीछा छोड़ा है। भाई रात हो गई तब जाके पुलिस गई है, पता नहीं लेस्टर सर्वर हैक क्यों नहीं कर पाया, बाकी कैप्टन मुझे नहीं पता सेफ है नहीं है, कैप्टन भाई मेरे को नज़र ही नहीं आ रहा है दूर दूर तक, तुम लोग देख सकते हो कैप्टन कहीं पर भी नहीं है। बाकी मुझे ना अभी पानी के दूसरे साइड जाना होगा, क्योंकि पुलिस अभी भी आसपास ही हो सकती है और मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता, रशियन माफिया का मामला है, रशियन माफिया भाई हमारे पीछे पड़ा हुआ है हाथ धोकर। ओके तो यहाँ से फटाफट से पहले पानी से बाहर निकलते हैं, फिर मैं ट्राई करता हूँ कैप्टन को कॉल करने को, और बस यार वो ठीक हो, वो मुसीबत में ना पड़ गया हो, मैंने उसको जाने को बोला था यार, वो मेरी जान बचाने के लिए वहाँ पे रुका, और अभी मुझे लगता है कि यार कैप्टन को अगर किसी ने पहचान लिया होगा तो वो प्रेसिडेंट के मेंशन पे काम भी नहीं कर पाएगा और रशियन माफिया उसे भी ख़त्म करा सकता है। फटाफट से काम करते हैं, पहले पानी से बाहर चलते हैं। तो अभी गाइस मैं पानी से बाहर आ चुका हूँ, तुम लोग देख सकते हो, एक काम करते हैं फटाफट से कैप्टन को कॉल लगाते हैं। मैंने पीछे बहुत बार यार मुड़कर देखा, मेरे को कैप्टन यहाँ से भी मेरे को कैप्टन सामने नज़र नहीं आ रहा है, एक बोट बस घूम रही है। एक काम करते हैं फटाफट से यहाँ पे बैठते हैं और यहाँ बैठकर आराम से कैप्टन को कॉल लगाते हैं।
अभी गाइस मेरी कैप्टन से बात हो गई और भाई जैसे कैप्टन ने फोन उठाया तब जाके मेरे को भाई अभी थोड़ा सही लग रहा है। कैप्टन बोल रहा है कि माइकल बिल्कुल टेंशन ना ले, वो एकदम ठीक है। पुलिस वाले उसके पीछे पड़े हुए थे पर उसने अपना हुडी और अपना मास्क निकाल दिया, फिर पुलिस ने उसे पहचाना ही नहीं और वो जाकर बान हाउस में छुप गया और अभी वो सिटी की तरफ जा रहा है। मैंने उसको बोल दिया ठीक है भाई एक दो दिन तक तू अपने घर पे ही रहना, मेरे को कॉल करना और ना मेरे से मिलने आना। बाकी मैंने कैप्टन को बोल दिया कि भाई मैं भी एकदम ठीक हूँ, बाकी मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। ओके तो गाइज मुझे ना अभी ये वाला सूट जल्दी से जल्दी निकालना होगा क्योंकि पुलिस वाले ने ये वाला सूट देख लिया और पुलिस वाले मेरे को ढूंढ रहे हैं। ओके भाई मेरे को अभी लड़ना नहीं है किसी से, फटाफट से निकलते हैं। गाइज अभी मैं ये वाला सूट बिल्कुल नहीं पहन सकता, इस सूट में मैं बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊँगा। फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, इस वाले सूट को निकालते हैं और अभी मेरे को लगता है कि इस सूट को निकालने का सही टाइम आ चुका है। सूट को अभी हम लोग निकाल देंगे और आराम से रहेंगे। अभी मैं जा रहा हूँ गाइज उस फार्म हाउस पे, मुझे नहीं पता लेस्टर कहाँ पे है। लेस्टर शायद अभी भी यार इंडियन डॉन के साथ ही होगा। अच्छा यार उसके साथ ही रहे, मैं चाहता हूँ फार्म की तरफ चल के पहले सूट को निकालता हूँ और हाँ मैं लेस्टर को कॉल कर दूंगा, मैं उसको बता दूंगा कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ, वो भी यहाँ पे आ जाए। बाकी गाइज अपनी पूरी टीम यार लॉस सैंटोस सिटी आ चुकी है तो हम लोग को रहने का कहीं इंतजाम करना होगा। हम लोग अलग अलग नहीं रह सकते, अगर एक साथ रहेंगे तभी हम लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तो इस गाड़ी को यहाँ छोड़ते हैं, फटाफट से अंदर चल के भाई सूट को निकालते हैं। अभी सूट का कोई भी काम नहीं है, इस सूट का जितना भी काम था वो सारा काम हो चुका है। तो अभी गाइज मैंने सूट को निकाल के फ्रिज के अंदर डाल दिया और अभी वो सूट मेरे कोई काम का नहीं है क्योंकि उससे मैं ज़्यादा बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। बाकी मुझे पता है यार मेरे को लेस्टर को भाई बताने के बाद ही सूट निकालना चाहिए था, पर अभी मैं उस सूट को बिल्कुल नहीं पहनने वाला। अभी हम लोग माइकल बनकर ही पूरे लॉस सैंटोस में घूमेंगे और जो होगा भाई देखा जाएगा। आप लोग भी मुझे पता है यही चाहते थे कि माइकल यार माइकल बन के घूमे, कोई और सूट ना पहने। तो फाइनली गाइस टाइम आ चुका है। अभी हाँ मेरे को कपड़े वगैरह खरीदने पड़ेंगे, अभी मेरे पास कोई भी कपड़े नहीं है। फ़ोन वगैरह मैंने ले लिया है, वेपन्स वगैरह मेरे पास ही हैं। बाकी अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है गाइस, अपनी टीम आ चुकी है तो कुछ ना कुछ हम लोग ज़रूर सोच लेंगे, कोई ना कोई प्लान ज़रूर बनाएंगे। और हाँ माइकल ने यार हैकर की जान बचा ली है, हैकर ना लेस्टर के पास चला गया है, वो उसी के पास है। मैंने लेस्टर को कॉल कर दिया है, वो कुछ ही देर में यहाँ पे आ रहा होगा, फिर हम लोग कोई सीक्रेट जगह देखते हैं जहाँ पे हम लोग अपनी टीम को रख पाएं। बाकी गाइस चलो ठीक है यार इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को मजा आया, अगर मजा आया तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके यार जरूर बताना आप लोग को वीडियो कैसा लगा। बाकी मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।